आपका प्रश्न है गुरुजी, शादी में सात फेरों का क्या महत्व है? शादी में सात फेरे क्यों लिए जाते हैं? सात फेरे इसलिए क्योंकि जन्म सात माने जाते हैं, तो सात जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ बना रहे इसलिए सात फेरे होते हैं। सप्त ऋषि होते हैं, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाजा, ये सात ऋषि हैं। सात ऋषियों के नाम की एक एक प्रदक्षिणा होती है ताकि हमारे विवाह की साक्षी अग्नि है, सप्त ऋषि भी साक्षी हों, इसलिए सात प्रदक्षिणा होती हैं। वर वधु को जीवन भर साथ रहने, एक दूसरों को साथ देने का ज्ञान देते हैं, है ना? सात फेरों का अर्थ यह भी है कि इसमें से कुछ फेरे स्त्री को आगे करके किए जाते हैं, कुछ फेरे पुरुष को आगे करके किए जाते हैं। स्त्री पुरुष साथ रहें, सप्त ऋषियों के एक एक फेरे, इसलिए सात ये फेरे होते हैं। सात फेरे क्यों होते हैं इसकी बहुत सारी विवेचना हो सकती है। यदि इसको अध्यात्म में हम प्रवेश करके बोलें तो बहुत सारी व्याख्या हो सकती है कि सात फेरे ही क्यों होते हैं। अभी तो आप इतना समझिए कि सात जन्म और सात ऋषि, इसलिए सात फेरे।